हे एवरीवन, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं सब? और आज तो छुट्टी है बच्चों की, हमारी भी छुट्टी, मतलब बच्चों की छुट्टी है, मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। आज मोहर्रम है, सो हैप्पी मोहर्रम टू यू। और कैसे मोहर्रम मना रहे हैं हम, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या क्या बनाया, क्या क्या रेसिपीज बनाया। और ये देखिए बच्चे हमारे कितना शैतानी कर रहे हैं। आज छुट्टी है तो बच्चे तो थोड़ा ऐसे ही करेंगे ही घर पे और मस्ती कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं है और मेरा नाना हो गया है, नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में मैंने पूड़ी और घुघनी बनाया था। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये चाय पत्ती है जो मैंने चाय बनाया था, उसका चाय जो बच गया था चाय पत्ती वो है। तो उसको मैं कुछ गार्डनिंग में यूज करूंगी, वो आपको दिखाती हूँ। और मेरा गार्डन देखिए ऐसा है। और वो जो पहले मैंने जो फ्लावर दिखाया था, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको टेबल गुलाब बोलते हैं। और जो चाय पत्ती है ना, आप इसको आप गुलाब के पेड़ में डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अच्छे फ्लावर्स आते हैं उसमें, मतलब ऐसे खाद जैसे काम आता है वो। और ये देखिए मैंने मेरी गोल्ड का भी फ्लावर लगाए हैं, सर्दी में इसका फूल खिलेंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग भी फ्लावर गार्डनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और ये देखिए पोमोग्रेनेट का पेड़ है, इसमें फ्लावर्स भी आए हुए हैं और कुछ पोमोग्रेनेट्स भी आए हुए हैं। ये देखिए, और ये पपाया का पेड़ है। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, हॉलीडेज में वो गार्डन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये ब्रिंजल का पेड़ है और इसमें ब्रिंजल भी आते हैं। ये देखिए मिर्ची है, मिर्ची लगे भी हुए हैं। और ये देखिए मैंने मेरे जो हाउस हेल्पर है उसने एक चूल्हा भी बनाया है। मैं सर्दी में कभी कभी इसमें मतलब खाना बनाती हूँ। और ये जो मटका देख रहे हैं ना, मैंने इसमें कॉम्पोस्ट बनाने के लिए रखा हुआ है, देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा बन गया तो मैं इसको वीडियो जरूर बनाऊंगी अलग से। ये जामुन का पेड़ है और एक ये पोमोग्रेनेट का पेड़ है, इसमें भी पोमोग्रेनेट आया हुआ है। और नींबू है, और ये वाला जो नींबू है ना, जो बड़े बड़े नींबू होते हैं वो वाले हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, उसके अंदर पिंक पिंक कलर का होता है नींबू। नींबू तो नहीं, वो ऑरेंज टाइप का है। और ये भी ब्रिंजल के हैं, खूब सारे ब्रिंजल के मेरे हस्बैंड ने लगा दिए हैं। और ये देखिए पपाया भी आए हुए हैं अभी जस्ट। और ये चीकू का पेड़ है, ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, और वो ये जो देख रहे हैं ना, ये ड्रमस्टिक का पेड़ है। उड़िया में इसको सौजना गोछो बोलते हैं। आप लोग गार्डनिंग करते हैं कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। और ये देखिए सेम है ना, सेम उसका पेड़ है। और देखिए ये तोरी भी हुआ हुआ है, हम इसको जौनी बोलते हैं। और ये देखिए 2-3 भी लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रूटिंग होता है। और ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, ये भी। और एक पपाया का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये सब मैंगो का पेड़ है। और गर्मियों में मैंगो अच्छे से लगते हैं इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे तोते खा जाते हैं। आप लोग तोते को कुछ भगाने का मुझे कोई ट्रिक है तो जरूर बताइएगा। ये दशहरी का आम का पेड़ है। और ये जो देख रहे ना पीछे का एरिया, ये मेरे हाउस हेल्पर रहती है। मुझे तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे थोड़ा बिखरा हुआ सा है, लेकिन प्लीज डोंट माइंड, गवर्नमेंट क्वार्टर है थोड़ा सा। और नेचुरल, मैं हमेशा वीडियो नेचुरल बनाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे नेचुरल हो, ऐसा नहीं कि मैं इसमें कोई एक्टिंग करूँ वो करूँ। तो मेरे चैनल में आपको नेचुरल चीज़ें ही देखने में, कोई फेक चीज़ें नहीं देखने मिलेंगे। सो गाइज प्लीज वॉच माई चैनल। और ऐसे तो चलिए अब मैं लंच का थोड़ा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। लंच बनाऊंगी आज, कुछ फिश का ही आइटम बनाऊंगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं लंच बना लेती हूँ।
आज का लंच में वही हमारा जनरली लंच में हम चावल ही खाते हैं, राइस खाते हैं, और उड़िया है तो ऑब्वियसली फिश खाते हैं। मंडे और थर्सडे को मैं जनरली नहीं खाती हूँ, और बाकी दिन में मैं नॉनवेज हमारा चलता है। सो प्लीज वेज फ्रेंड्स इसको स्किप कर दीजिए, स्किप करके आगे का वीडियो देखिए। तो चलिए बनाते हैं आज का। मतलब नानी, मेरी मम्मी का ही एक रेसिपी है जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो ये रेसिपी शायद कुछ कुछ जगह पे अलग ही बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट, और मेरा स्टाइल अलग है। हम लोग जैसे ही सीखे हुए आए हैं, मतलब मम्मी को देख के वैसे ही बनाऊंगी मैं। तो आज एक ही रेसिपी बना रही हूँ। तो उस दिन जो मैं फिश लाई थी, छोटी छोटी वाली फिश, जिसको ये लगेंगे वो छोटी वाली जो फिश, वो वाली, उसको मैंने उसी दिन के जैसे नमक और हल्दी डाल के मिक्स कर लिया है। फिर उसके लिए लगेंगे थोड़ा सा इमली। इमली को पानी में डाल दीजिए, भिगो दीजिए थोड़ा टाइम के लिए, फिर उसका पल्प निकाल दीजिए। और सरसों का तेल लगेंगे, चाहे तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ही अच्छे टेस्ट आते हैं। और उसके लिए लगेंगे सूखी मिर्च एक, और सरसों, राई नहीं, सरसों, और हल्दी पाउडर। और चाहे तो आप भिंडी में, भिंडी डालूंगी, भिंडी आप ऑप्शनल है तो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज कोई भी एल्युमिनियम या नॉन स्टिक यूज करते हैं प्लीज अवॉइड कीजिए। मैं भी धीरे धीरे ही अवॉइड कर रही हूँ उसको। तो ये लोहा का ही है, आयरन कढ़ाई है, मैं मोस्टली आयरन कढ़ाई में ही बनाती हूँ। एक आधी मेरे एल्युमिनियम मिलेंगे, मैं भी वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब एल्युमिनियम को और नॉनस्टिक को अवॉइड करूँ। फिश फ्राई हो चुका है, हल्का हल्का फ्राई करिए। फिर अभी उसी सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा, एकदम हाफ टी स्पून आप ऑयल डालिए, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून डालिए, एकदम जाता है। हम वो इमली का जो पानी है वो डालेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी और नमक, बस इतना ही। अभी मैं इसमें फिश डाल दूंगी, फिश डाल दिया, अब बस उसको बॉईल होने दूंगी। अब मैं उसमें भिंडी भी डाल दिया, बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद थोड़ी सी पानी रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप उतार लेना। नंगू पंगू मत दिखाओ, नंगू पंगू नहीं दिखाते हैं, नंगू पंगू नहीं, नंगू पंगू नहीं, देखिए नंगू पंगू, मेरे नंगू पंगू बच्चा, नंगू पंगू बच्चा, बदमाश बच्चा, बदमाश बच्चा, देखिए ना पसीना है, चलो चलो ना लोगे, चलो ना लो, ना लो, ना लो, अपना हड्डी मत दिखाओ। चलिए ये वाली सब्जी बन गई, देखिए ऐसे ऐसे दिखता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लास्ट में हाफ टी स्पून आप शुगर भी डाल सकते हो, आपकी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, कभी बहुत खट्टा होता है तो यूज करती हूँ, लेकिन आप डाल सकते हो। और ये था आलू और तोरी का पोस्तो, कल वाला वो दाल, बस हमारा लंच रेडी। अब चावल बन रहा है, चावल बन जाएगा फिर खाना खा लेंगे। क्या ढूंढ रही हो तुम? चाट मसाला से क्या करोगे? क्या खाना है तुम्हें? फ्राइड रोटी? हाँ दे रही हूँ, चलो। क्या कर रहे हो? देख रही हूँ आपको। ऐसे ही देखते रहो। हाय, मैं अभी सो के उठ गई हूँ।
ये अभी उड़द दाल है, मैं इसको भिगो लिया है। 4 से 5 घंटे आप भिगो लेना। और चावल भी भुगाया है मैंने, 3 ग्लास मैंने चावल लिया था और 1 ग्लास उड़द दाल। 3:1 रेशियो में आप लोग इसको भिगो देना। भीग जाने के बाद मैं अभी इसको ग्राइंडर में पीस लूंगी। और मैं इसमें 1 चम्मच मेथी भी डाला था, आप चाहो तो डालो, डालो तो अच्छा टेस्ट आता है। और उसको पीस के इसको मैं पूरा ओवरनाइट रख दूंगी। मैंने एक स्टील के बर्तन में रख दिया है, आप इसको 6 घंटे रख देना। ये मैंने पीस लिया है, अभी इसको रख दिया है, पूरा ओवरनाइट रखूंगी इसको मैं। फिर ये बन जाएगा डोसा, इडली, उत्तपम, चाहे कुछ भी बना सकते हैं। चलिए अब बच्चों को दूध दे देते हैं। ये दूध, ये वाले कल के दूध है, इसको मैं दही जमाऊंगी। ये फिर से मछली के साथ खेलने लग गया, मछली के साथ। आज तो आप लोग को मैंने मछली का शेर नहीं कराया ना। लाइट दे दो थोड़ा। देखो मेरे फिश, नाम बता दो तो बाबू। मैं नाम दिए थे ना, क्यों ऐसे बोल रहा? बच्चों ने इसका नाम भी रख लिया है। क्या नाम है बताओ, क्या नाम रखा आपने? इसका नाम नहीं, स्वच्छ भारत। ये बस ये वाला फिश आपको दिख रहा है, ये वाला फिश हाँ, ये टैंक को क्लीन करता है। जब यहाँ पर कुछ काई वाई लग जाता है। चलो बच्चों आप दूध पी लो। चौकोस क्यों? ये डब्बा निकाल लो तुम्हारा। फिर से गर्मी, थोड़ा सो के उठे, ऐसी में बैठे रहो तब तक। स्टार्ट। स्वेट 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 स्वेटिंग है ना सारा। पापा ये है ना मलाई, इसको मैं तलक कर लेती हूँ, बना रही हूँ। मैं A2 मिल्क लेती हूँ, और A2 मिल्क का घी बहुत अच्छा होता है। दिस इज सारा स्कैम। देखो पंखा का हालत देखो। सॉरी, इग्नोर करो इसको, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है इसलिए इसमें ऐसा ही है, इसलिए प्लीज इग्नोर करिए। दिवाली तक मैं व्हाइट वॉश करा रही हूँ। देखो मेरी मम्मा कितनी सुंदर है।